तो कार्यक्रम के विधिवत प्रारंभ हो गया है। अब जो औपचारिकताएं होती है उन औपचारिकताओं को पूरा कर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। भी और बिहार के पैमाने पर में भी बस एक हुआ है कि जो हर रोज पत्रकारों को जो मैनेजमेंट के द्वारा धमकी मिलती थी किसी बात पर में ये तुरंत हटा देंगे। मजीठिया बेलकोट का जो केस जब से शुरू हुआ तब से बस एक ही सहूलियत हुई है पत्रकारों को कि अब मैनेजमेंट के द्वारा ये धमकी पत्रकारों को नहीं दी जाती है। सर आज बदलते प्रदेश में वॉइस और मीडिया की भूमिका पर यहाँ परिचर्चा आयोजित की गई है, मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है सर इसका? मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, जन जागरण हो सकता है, चेतना लाने की बात हो सकती है। जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है, सामाजिक परिदृश्य है, इसमें समाज के सभी तबकों के बारे में, तो इसमें अगर मीडिया का रोल है आज सबसे बड़ा, तो मीडिया के बारे में चर्चा हो रही है किस तरह से मीडिया किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में ले जा रहा है, उसी हिसाब से कि बाकी जो समाज है वैसे समाज है उसी में चाहिए भूषण क्या भूमिका होनी चाहिए उसको लेकर के विचार विमर्श होने की। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मीडिया सबके बारे में सोचता है, सबके बारे में लिखता है, लेकिन मीडिया के बारे में कोई नहीं सोचता है, मीडिया के बारे में कोई नहीं लिखता है, तो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आज जो मजीठिया हो या उसके पहले मरसाना आयोग था या बछावा आयोग था या पालिका आयोग भी बना था, तो अब सबसे बड़ा संकट तो ये हो गया है कि मीडिया में वेज बोर्ड के इम्प्लाई नहीं रह गए हैं, सभी ठेके पे आ गए हैं, ठेके पे काम हो रहा है, तो ठेके पे होने पर उनको तो वेज बोर्ड से ऐसे भी बाहर हो जाते हैं। और अब तो कैजुअल मतलब आज आप अभी हैं, आप जाने के बाद हो सकता है कि ऑफिस में आपसे कर दिया जाएगा भाई कल से मत आना, तो उसमें वेज बोर्ड क्या करेगा। अभी तो सबसे बड़ी बात है कि जो जॉब की सुरक्षा है, काम की जो सुरक्षा है पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो सबसे बड़ा संकट हो गया है। मजीठिया तो शायद ही कहीं कुछ अखबार एक रह गए होंगे या कुछ एक किसान होंगे जिसमें मजीठिया लागू हो रहा होगा, तो क्योंकि बाकी जगह है नहीं है, वेज बोर्ड पे नहीं है, परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है, कर्मचारी नहीं है, प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता है, और पेंशन के नाम पर जो हमारा प्रोविडेंट फंड जमा होता है उसी का जो एक हिस्सा है जो मैनेजमेंट के हिसाब से आता है, तो पेंशन हमारी मिलती है, कितनी मिलती है, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1800 रुपये, हमारी 40 साल की पत्रकारिता हो गई हमको कुल मिला के 1800 या 1900 रुपये पेंशन मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात इसके बारे में कभी कोई सोचता ही नहीं है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पत्रकार भी इसी समाज में है जो सबकी खबर लेता है, सबको खबर देता है, लेकिन उसकी खबर कोई नहीं लेता, उसकी खबर कोई नहीं देता है, तो इस काम को अब कैसे किया जाए। दूसरा यह है कि पत्रकारों में कोई उस ढंग से एकजुटता नहीं है जैसे होने चाहिए। पहले यूनियन होती थी, पत्रकार कर्मचारी संघ होते थे, जो जितने यूनियन है हमारी आज के तारीख में हैं वो एक तरह से टूरिज्म का काम करती है, बाकी संघर्ष वगैरह कुछ प्लांट यूनियन तो कहीं किसी के पास है ही नहीं है, तो इस तरह कोई बात ही नहीं हो पाती। अब सरकार को भी लगता क्या है कि हम अगर मालिकों को खुश कर लेंगे तो फिर सारे पत्रकार तो अपने आप मुट्ठी में आ ही जाएंगे। पहले होता था कि संपादक को पटाया तो पत्रकार जो संपादक कहेगा वो लिखेगा, लेकिन अब तो संपादक नाम की सत्ता भी खत्म हो रही है।